नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। देश भर में इंडियन प्रीमियर लीग का कुमार क्रिकेट प्रेमियों के सर चढ़कर बोल रहा है। इस लीग की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही गई। किसी ने शायद ही सोचा होगा कि ये लीग एक दिन दुनिया का सबसे चहेता लीग बन जाएगा। खैर, ऐसा हुआ और आज के समय में आईपीएल का बोलबाला चरम पर है। टाटा आईपीएल 2022 में गुरुवार को खेले गए दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। खिलाड़ी ने अपनी ही टीम के खिलाफ ये रिकॉर्ड बना दिया। हम बात कर रहे हैं डेविड वार्नर की। जी हाँ, दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर ने आईपीएल में कई सालों से शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं कल खेले गए मैच में उन्होंने नया कीर्तिमान रच दिया। गुरुवार शाम दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेविड वार्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बेहतरीन 58 गेंदों में 92 रनों की पारी खेली और इसी के साथ वार्नर आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। जहां इससे पहले ये रिकॉर्ड यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल के नाम था, वहीं अब वार्नर 89 बार 50 जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। जहां एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली के मैच में दिल्ली के बल्लेबाज ने ये कीर्तिमान रचा, वहीं हैदराबाद के भी इस गेंदबाज ने ये नया रिकॉर्ड बना डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उमरान मलिक की। आज उमरान को कौन नहीं जानता। अपनी रफ्तार के लिए जाने जाने वाले उमरान ने कल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 22 वर्षीय उमरान ने इससे पहले 1 मई को सीएसके के खिलाफ 154 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी और कल दिल्ली कैपिटल के ओपनर डेविड वार्नर के खिलाफ पहले 154.8 किलोमीटर प्रति घंटे और फिर 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर आईपीएल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।